अस्सलाम वालेकुम आज हम नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं उसके अंदर आ जाएगा मसल स्पिंडल ठीक है तो इसके अंदर गॉलजी टेंडन आर्गन का आ जाएंगे मसल स्पिंडल का दूसरा नाम है ग्वालियर टेंडन ऑर्गन ठीक है बेसिकली व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मसल स्पिंडल एंड ग्वालियर टेंडन ऑर्गन मसल सेंसरी रिसेप्टर दो तरह की होंगी ठीक है एक होगा मसल स्पिंडल दूसरा होगा गॉलजी टेंडन ऑर्गन मसल स्पिंडल के अंदर आ जाएगा लोकेटिड विद इन द मसल विच इज डिटेक्टिड चेंज इन देंथ ऑफ मसल गएगा लोकेटिड एट माइटेंडनस जंक्शन विच डिटेक्ट एनक्रीज द टेंशन स्ट्रक्चर ऑफ मसल स्पिडल इसके अंदर रिसेप्टर ऑफ पोर्शन आ जाएगा साइबर रिजन में होगा और मसल स्पिंडल में होगा इंट्राफ्यूजल फाइबर आएंगे तो इसके अंदर नो एक्शन एंड माइसिन फिलाेंट होगा स्ट्रक्चर एंड इंट्राफ्यूजल इंटरफ्यूजल फाइबर की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा ये डायग्राम की तरफ गौर से देखें ठीक है पहले होगा प्राइमरी एफरेंट दूसरा होगा सेकेंडरी एफरेंट ठीक है जो प्राइमरी एफरेंट होगा वो यहाँ से मैसेज दे जाएगा कहाँ पे ठीक है डायनामिक फाइबर्स एंड गैमा स्टेटिक एफरेंट्स ठीक है ना तो आगे ये नीचे आ जाएंगे टाइप टू आ जाएगी टाइप वन आ जाएगी टाइप वन के अंदर होगा प्राइमरी एफरेंट टाइप टू के अंदर होगा सेकेंडरी एफरेंट तो इसके अंदर क्या आएगा न्यूक्लियर बैक फाइबर आएंगी एंड न्यूक्लियर चेन फाइबर आएंगी ठीक है ना न्यूक्लियर बैक एंड न्यूक्लियर चेन फाइबर तो आगे बात करते हैं टू टाइप ऑफ सेकेंडरी एंडिंग दो तरह की सेकेंडरी एंडिंग होगी एक होगी प्राइमरी एफरेंट दूसरी होगी सेकेंडरी एफरेंट प्राइमरी एफरेंट के अंदर आएगा इन सर्कल द सेंट्रल पोर्शन दूसरा होगा इनर वेट्स वन और बोथ साइड्स ऑफ एंडिंग इसके अंदर वन और बोथ साइड दोनों की तरफ एंडिंग इनर वेट्स होंगी ठीक है ना एक्साइटेड बाय द बोथ बैग्स एंड चेन फाइबर्स ओनली चेन फाइबर्स इसके अंदर बोथ दोनों बैग जो होगी चेन दो, दोनों जो होंगी वो क्या होगी एक्साइटेड होंगी तो इसके अंदर ओनली वन चेन फाइबर होगी बोथ डायनामिक एंड स्टेटिक रिस्पॉन्स इसके अंदर होगा दोनों होंगे इसके अंदर स्टेटिक रिस्पॉन्स होगा स्पिंडल की बात करते हैं तो दो तरह के इसके अंदर सिग्नल आएंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिग्नल पास सिग्नल के अंदर एम्पल्स इंक्रीज होंगी और नेट के अंदर एम्पल्स डिक्रीज होंगी मसल स्ट्रेच की बात करते हैं तो इसके अंदर स्टैटिक रिस्पांस डायनामिक रिस्पांस आ जाएगा स्टैटिक स्टैटिक रिस्पांस के अंदर मसल हो स्ट्रिक स्ट्रिक्ट होंगे स्लोली आसा आसास्था जो हमारे मसल होंगे ना वो स्ट्रिक्ट तो हो जाएंगे ठीक है तो डायनामिक रिस्पांस के अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर मसल स्ट्रिक्ट होंगे सडनली अचानक से मसल हमारी बॉडी के ना वो स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएंगी सिग्नल एवरेज फंक्शन की बात करते हैं इसके अंदर आ जाएगा ये ग्राफ की तरफ देखें फोर्स ऑफ कंट्रेक्शन एंड सेकेंड जब ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर उसके अंदर क्या होगा ये नो डैम्पिंग वगैरह आने के चांसेस होंगे एज मसल स्पिंडल इंटैक्ट होगा क्लिनिकल स्ट्रेट स्ट्रेटिस क्लिनिकल के अंदर बा, बात आती है इसके अंदर आ जाएगा

इसके अंदर क्या होगा इनहिप्ट एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स एंड टाइप वन बी आ जाएगा मसल इनहिप्ट होगा एंड गोल्जी रिफ्लेक्सेस आएंगे और इंटायरली इनिबरी होगा एंड लेंथनिंग रिएक्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर होगा एक्सट्रीम टेंशन वो कन्वर्ट होगा सडन इनहिबिशन में सडन इनहिबिशन आप क्या करेगा इंस्टेंटेनियसली रिलैक्सेशन होगा तो एक कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स होगी ठीक है ना तो आगे बात करते हैं मोटर डिफ्लैक्स की ठीक है मोटर डिफ्लैक्स के अंदर क्या होगा इसके अंदर और डिफ्लैक्स uh, होंगी एंड विड्रॉल विद्रॉल डिफरेंस होगा एंड ग्रॉस एंड एक्सटेंसर डिफ्लैक्स होंगे एंड एसिप्रोकल इनर्वेशन होंगे एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिफ्लैक्सिस होंगी ठीक है ना तो ये डायग्राम की तरफ देखें सबसे पहले होगा एफ्रंट आर्क दूसरा होगा ई फ्रंट आर्क ठीक है और ये रिसेप्टर होंगे और इफेक्टर होंगे और ये जो ग्रीन कलर कहना चाहिए देखें पोस्टीरियर आर स्पाइनल कार्ड एंड एंटीरियर आर ठीक है तो टाइप ऑफ डिफ्लैक्स दो तरह के होंगे पाथवे एक होगा सेगमेंटल डिफ्लैक्सिस और एक होगा इंट्रा सेगमेंटल डिफ्लैक्स सेगमेंटल डिफ्लैक्स के अंदर टेंडन डिफ्लैक्स होंगे और इंट्रा सेगमेंटल के अंदर सुपरफिशियल डिफ्लेक्स होंगे एंड सुपर सेगमेंटल रिफ्लेक्सिस की बात आ करते हैं इसके अंदर क्लिनिकल अप्रोच वगैरह आ जाएगा सुपरफिशियल डिफ्लैक्सिस के अंदर क्या आएगा प्लान्टिफ्लैक्सिस होगी सुपरफिशियल डिफ्लेक्स के अंदर क्या होगी जो पाओं के नीचे से मैं पिछले लक्ष्य में बताया बेबिश कैन जो नीचे से डिफ्लैक्स देंगे एरी की तरफ से डिफ्लैक्स देंगे उससे कहेंगे प्लान डिफ्लैक्स और डीप डिफ्लैक्स की बात करते हैं इसके अंदर आ जाएगा टेंडन रिफ्लैक्स टेंस क्या आता है टेंडेंस बताया ना मसल टू बोन अटैचमेंट होती है ठीक है ना उसे कहते हैं टेंडेंस तो बिजलैक्स के अंदर क्या होगा पेपल डिफ्लक्स वगैरह आएंगे पैथोलॉजिकल डिफ्लेक्स के अंदर की डिफ्लैक्स आएगा और प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसके अंदर आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जेंस एंड पोटेंशंस डी बाउंड एंड एंडल इनहिबिशन आ जाएगा फ्लैक्जर डिफ्लैक्सन की बात करते हैं इसके अंदर क्या होगा क्यूटीनियस स्टिमुलेशन होगा वो आगे कन्वर्ट करेगा फ्लैक्सर मसल ऑफ लिम्स कंट्रैक्शन में क्या होगा विद ड्रॉलिंग ऑफ लिम्स होगी तो विदिंग की बात करते हैं पार्ट अदर देन लिम्स इट इज सिमिलर टू द फ्लैक्स बट मे नॉट कन्फाइंड टू द फ्लैक् पेन डेटिक्स इट हैज़ आल्सो वन सर्कर्स विच काजिज आफ्टर डिस्चार्ज पेन स्टिमुलेशन ऑबडक्टर मसल्स एंड लिम्स आउटवर्ड तो फ्लैक्स के अंदर इसके अंदर आएगा माइग्राम ऑफ फ्लैक् रिफ्लैक्स फ्लैक् कंट्रक्शन होगी एंड सेकंड्स होगा और सबसे पहले जी, नीचे से ग्राफ ऊपर जाएगा तो क्या होगा फटीक होगी फटीक होगी और फिर आसा ग्राफ जो है वह नीचे की तरफ शो होगा तो क्या होगा आफ्टर

फ्रामा स्ट्रोंगर फ्लैक्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द बॉडी इसके अंदर यह क्या है रैक फ्लैज फ्लैक्स शो क्या करेगा डेप्लो और इनहिबिटरी का शो करेगा वो का शो करेगा तो क्या होगा इनहिबिटरी स्टिमुलेशन जो होगा वो स्ट्रॉगर डिफ्लैक्स की तरफ डफ्लैक्स को लेकर जाएगा और अपोजिट साइड ऑफ बॉडी होगा उसे कहेंगे मायोग्राम ठीक है स्पाइनल कार्ड डेट कार्स द मसल स्पाज ठीक है वो कहता है कि स्पाइनल कार्ड डिफ्लेक्स जब हो जब हम स्पाइनल uh, कार्ड को डिफ्लेक्स देंगे तो मसल के अंदर स्पाज्म कैसे आएगा वजह क्या होगी तो इसके अंदर क्या होगा डेस्टिंग फॉर्म द ब्रोकन बोन्स अबडामनल मसल स्पाज पैटोनाइटस द उसके पैटोनाइटस मसल क्रैम्प्स वगैरह होंगे तो